भाई साहब दिखने में दमदार लग रही है ये तो। ये हो रहा है सर मस्त वाला। सर लगी नहीं रहा उसी गाड़ी में खड़े। ये भैया सबके नाम अलॉट हो चुकी है। और ये सबसे मेन चीज है वॉशिंग मशीन। और ये हो गया जी एक किंग साइज बेड। इसमें दिनों रात का पता ही नहीं चलेगा बाहर। चॉपिंग बोर्ड भी हो गया, ये तो सभी चीज हो गई। मतलब बहुत बड़ी बात है 10 दिन के अंदर करवाना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक अगेन। भाई मेरा ये पहला ऐसा व्लॉग होगा जो टोटल 8 दिन के अंदर जाके पूरा हुआ है। जी हाँ, इसका पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया था 8 दिन पहले का, और डायरेक्ट आज इस व्लॉग में आ रहा हूँ मैं 8 दिन बाद। क्यों? क्योंकि हमें जाना है अभी विवेक जी के घर पे फ्रॉम कारवा भारत। उनका ट्रक भाई तैयार हो चुका है, आपने शायद उनके वीडियोस में देखा ही होगा। तो आज वो अपनी ट्रिप पे निकलने वाले हैं, तो भाई उनको एक बार ऑल दी बेस्ट कहना है और उनकी गाड़ी भी देखनी है। मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। तो अभी हम चल रहे हैं सीधे भैया के घर पे और दिखाते हैं उनकी भाई मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर जो उन्होंने कैरावैन बनाई है, गजब। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर आपको ट्रैवलिंग और कैंपिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि बाद में आप इतना खो जाओगे कि आप भूल जाओगे। भाई आपका एक एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है, पहले सब्सक्राइब और फिर वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं विवेक सर के घर पे। तो जी अब मिलवाते हैं आपको हमेशा की तरह हमारे बड़े भैया से। ग्रेट 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 सर। और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आपके दर्शकों का। हमारे और आपके एक ही है सर। एक ही है सर। क्या एक खानदान होता है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल रिश्तेदार आपस में मर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोला सर। तो आइए जी आपको दिखाते हैं नेट। 10 दिन का जो भैया ने चैलेंज लिया था ऑलमोस्ट कम्प्लीट है ना। सर निकल रहे हैं तो बस अब क्या है। तो भैया अपनी पहली ट्रिप पे निकल रहे हैं अपनी नई कैरावैन के साथ, तो दिखाते हैं आपको एक छोटा सा टूर देते हैं। वैसे तो डिटेल वीडियो तो भैया ने 10 दिन के अपने चैलेंज में डाल दिया है चैनल पे, मैं खुद भी देखता ही हूँ खैर सारे। प्लीज प्लीज। तो चलिए जी दिखाते हैं, आइए सर। तो हमने शुरुआत की थी वुडन वर्क के साथ, मतलब इसमें जो बेसिक ऑल्ट्रेशन होना था वो था वुडन वर्क। सो पाइन वुड का हमने यूज किया और हर एक जगह जहाँ पर भी वो लग सकती थी वहां पर हमने उसको पेस्ट किया है। चलिए जी अब अंदर चलते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए आए तो सबसे पहले अपने जूते हमें उतारने हैं यहाँ पर, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक शू रैक हमने बनाया है। क्या तो बात है। शूज यहाँ पर उतारने के बाद फिर हम अंदर एंटर करेंगे। ये कर लिया जी हमने एंट्री। और एंट्री होने के बाद यहाँ पर जो ये फर्स्ट कैबिनेट है इसमें हमारी वार्डरोब है और नीचे वॉशिंग मशीन है। देखिए जी देखिए ऊपर सारे गार्मेंट्स आ चुके हैं और ये सबसे मेन चीज है वॉशिंग मशीन। ये भी नई फिट करी आपने है ना? ये नई फिट करी है सर। सही जगह का यूटिलाइज कर लिया सर। अच्छा इस वॉशिंग मशीन का भी बहुत एनालाइज करके हमने चयन किया, मतलब इसमें तीनों मोड अलग अलग हैं। ये ऐसा मानिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो आती है ना, अच्छा उसका फुल्ली ऑटोमेटिक मोड है। क्या बात आप है? इसमें अलग वॉश कर लीजिए, पानी रिंज नहीं करना, वापस कपड़े निकालिए दूसरे, क्योंकि पानी बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका मल्टीपल उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं। ऐसे करके वार्डरोब है, ये हमारा सिंक और वॉश बेसिन। अच्छा चॉपिंग बोर्ड भी हो गया, ये तो सभी चीज हो गई। हाँ। अरे वाह यार छोटा सा बहुत बढ़िया सिंक है। और ये एडजस्टेबल इन्होंने यहाँ पे एडजस्टेबल नॉब है, सो मल्टीपर्पज हम उपयोग कर सकते हैं। सर लगी नहीं रहा उसी गाड़ी में खड़े, मतलब उस दिन 8 दिन पहले जिस गाड़ी में खड़े थे ना, बिल्कुल हुलिया चेंज हो गया एकदम, प्रीमियम बन गई प्रीमियम। ये हमने डीसी लाइट्स इसमें इंस्टॉल करी है दोनों ही। ओके कारण ये है कि अगेन द कन्वर्जन लॉस, सो डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिंग करंट पे जब अपन जाते हैं तो कन्वर्जन लॉस होता है, उसको बचा सके इसलिए बिल्कुल हमने ऐसा यहाँ पे किया। ये ब्लाइंड्स लगाए हैं ब्लाइंड्स के लिए, क्योंकि देखिये ब्लाइंड्स गाड़ी में सक्सेस होना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। सबसे पहली चीज है ब्लाइंड्स हिलने नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया इस प्रकार के देखिए चैनल लगाए, तो ये अपने चैनल में जाता है। हाँ ये पूरा इसका ग्रुप बना दिया आपने ना? ग्रुप बना दिया। तो ये देखिए जैसे वहां से स्लिप हो गया तो ये बाहर अब लटकेगा, तो इसको कंपलसरीली अपने चैनल में ही जाना है। और आवाज भी नहीं होगी, मतलब गाड़ी चलाते टाइम फिट हो जाएगा एक तरह से फिट। ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसा करके अब ये हिलेगा बहुत शानदार। प्राइवेसी मेन चीज है देखिए गाड़ी में, तो इसमें ये वाले लगवाए आपने, इसमें दिनों रात का पता ही नहीं चलेगा बाहर। ये ब्लैकआउट है, मतलब ब्लैकआउट है ना टेक्निकल, इसको बोलते हैं ब्लैकआउट। ओके ओके। सो दिस इज अ ब्लैकआउट कर्टेन, जब आप इसको डाल देंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। एकदम बढ़िया। और स्टोरेज के लिए हमने बहुत सारे वार्डरोब दिए हैं, देख रहा होगा। अच्छा ये पाइप किस चीज के लिए दिया आपने? ये हमने जो यहाँ पर देखिए क्या है, हम इसमें चिमनी हो सकता है लगाते जी, पर मुझे ये जो विकल्प लगा ना, ये देखिए यहाँ पर एक हाँ, अगर छोटे विकल्प से काम हो रहा है तो क्या बढ़िया है। दो फायदे हैं उसके, एक
एनर्जी सेविंग, ये 30 वॉट का है सबसे बड़ी चीज है ना। हाँ। तो ये 30 वॉट का है तो एनर्जी बचाएगा। दूसरी चीज स्पेस पता ही नहीं चल रहा, मर्ज हो गया ये पूरे इसके साथ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। चिमनी लगती तो यहाँ लगती है और फिर बहुत ही लंबा, बहुत ही सही चीज है, तो सही दिमाग लगाया सर आपने। और यहाँ से देखिए इसका एग्जॉस्ट, ये अच्छा ये आउटर दे दिया। हाँ सही है, गेट के बाहर का बाहर ही, बहुत सही सर, बाहर निकल गया और बिल्कुल भी दिख भी नहीं रहा एकदम। हाँ इसके अंदर इसको पैक कर दिया, अब इसके आगे थोड़ा बहुत सामान हमारा। हाँ हाँ छोटी मोटी चीजें बहुत आ जाएगी इसमें तो। जी 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 जी, ये एक वार्डरोब यहाँ पर आ गई। हाँ इसमें भी वही है सामान कुछ 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 कर। अरे वो तो सारी जगह काम में आ जाती है सर जब बनती है ना। ये भैया सबके नाम अलॉट हो चुकी है, जमीन अलॉट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कब्जा जमा लिया मतलब अभी से है ना, बंटवारा हो चुका है। ये है हमारी माता जी की वार्डरोब, ये उनकी। क्या बात है, ये है सात्विक अवनी की वार्डरोब। वेरी गुड, गिर गया। ये तो सर हमारी गाड़ी में भी गिरता ही है। तो ये सात्विक में रखे हैं। अच्छा ये वो गिर गए। तो ये इनकी वार्डरोब और ये हमारी और श्रीमती जी की, मतलब ये। चलो जी बहुत बढ़िया मैडम की वो हमारी। इस जगह का भी बढ़िया। ये नहीं बनाई आपने टोटल है ना, लास्ट टाइम नहीं थी ये? ये नहीं बनाई है सर। अच्छा और ये इधर एक बंक बेड और आ गया। देखिए ये जो बंक बेड था ना, ये पिछली बार ऐसे फोल्ड होके ऊपर जाता था, ये जहाँ पर हमने वार्डरोब्स बना रखे। जी जी, तो इसको हमने बना दिया है सोफे का बैकरेस्ट। क्या बात, अभी जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये एक बंक बेड बन जाएगा और नीचे है तो ये बैकरेस्ट है। और ये अगेन नीचे जो है ये एक बेड हो गया, सोफा भी यूज हो सकता है और हाँ सोफा कम बेड और इसके नीचे भी स्टोरेज हो गया ना। स्टोरेज आ गया हमारा। बिल्कुल 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 सर, ऐसा कर लीजिए। यहाँ की तो बस ये देखिए, यहाँ पर अभी हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ये आपका स्टूडियो हो गया। ये हमारा स्टूडियो हो गया, यहाँ हमने साउंड बार लगा दी अपनी। क्या बात है, मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, नहीं मतलब ये पहले से हमारा एक सेटअप है पूरा एडिटिंग सेटअप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये साउंड बार हो गई। यहाँ पर हमारा मैक मिनी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो मोबाइल चार्जिंग और इसके लिए जितना भी अल्टरनेटिंग करंट का जो प्लगइन्स है वो यहाँ पर आ गए। ये एक बंक बेड आ गया, ये एक, और ये हो गया जी एक किंग साइज बेड, मतलब हम जैसे तीन तीन और भैया जैसे दो तो आराम से सो सकते हैं इसके अंदर। और इसी के ऊपर देखिए एक और बंक बेड हो गया, इसको भी अपन चाहे तो इसको फोल्ड कर सकते हैं। और ये पूरा प्राइवेट कंपार्टमेंट हो जाएगा, पूरा प्राइवेट हो जाएगा ना, पूरा कैबिन से एकदम कनेक्शन कट जाएगा। सामने हमारा मंदिर है जो अभी भगवान जी को स्थापित करेंगे वहाँ पर। तो सामने जैसा कि भैया बता रहे मंदिर हो गया, उसके पास में साथ में बच्चों के पढ़ाई के लिए पुस्तकालय हो गया उनका। बहुत सही जगह है, मतलब शिक्षा और मंदिर एक जगह। और यहाँ पर ये एसी के वेंट आ गए, जो गाड़ी के एसी के वेंट है, और ये वाला एसी एक्सटर्नल पावर है ना। एक्सटर्नल पावर, इसको सर बहुत सही फिट करवा दिया आपने, लास्ट टाइम तो मतलब ऐसे ही रखा हुआ था ना। हमने तो क्या करवाया, देखिए कुछ चीजें क्या होती है कि लोग मिलते गए कारवा बनता गया, तो हमने तो कहाँ बनाया, मतलब 10 दिन में हमारा तो सामर्थ्य था ही। बहुत बड़ा चैलेंज है सर, 10 दिन के अंदर मेरे हिसाब से मतलब कोई भी नहीं करवा सकता ऐसा ही है, मतलब बहुत बड़ी बात है 10 दिन के अंदर करवाना। सबका सहयोग रहा, गाड़ी यहीं खड़ी रही, सब लोग आए, चाहे वो ब्लाइंड लगे, चाहे वो लकड़ी का काम हुआ, चाहे वो कांच लगे, जी जी जी, तो सब चीज यहाँ आके सब मतलब 10 दिन में ये गाड़ी बहुत ही शानदार हो गई सर। और ये नीचे स्टोरेज हुई क्या किचन का ना? स्टोरेज हो गया, कारपेट हमें अभी नीचे चेंज कराना है पर समय थोड़ा सा कम है। वैसे तो सर जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा फ्लोर बन रखा है इसका ऑलरेडी, डार्क ब्राउन हम। अच्छा कॉम्बिनेशन के हिसाब से आएगा क्योंकि इसकी गांठें देखिए ब्राउनिश है ना, पूरा एकदम वुडन, तो सर वुडन है सबसे रॉयल, मुझे यही लगता है वुडन का, तो इसमें डार्क ब्राउन बस वुडन वो आ जाएगा। जी जी जी, ऑलमोस्ट कम्प्लीट है सर, देखिए छोटे मोटे तो चलते रहेंगे एंड तक। सर घर में देखिए घर का कोई अंत नहीं होता, बिल्कुल नहीं है, तो ये yes, तो घर है तो जरूरत के हिसाब से इसमें हो सकता है और भी चेंजेस करने पड़े आपको आगे चल के, मतलब सही बात। और वॉशरूम में कुछ करा आपने चेंजेस? वॉशरूम में बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे जरूरत ही नहीं थी, फैब्रिकेट भी नहीं कर पाए हम वॉशरूम। जी 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 जी, तो अभी वो बहुत रॉ स्थिति में है, पर क्योंकि अब हमें ट्रिप पे निकलना है सो टाइम बहुत कम है। चलिए जी, बाकी बहुत बढ़िया हो गया सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। थैंक यू सो मच। गोवा ट्रिप है ना, गोवा ट्रिप क्या नाम दोगे इसको? एनुअल ओवरलैंडिंग मीट है एक्चुअली ये, जी, हर साल होती है, जो अभी इसमें हमारे चार चैप्टर्स है, पहला एमपी चैप्टर, उसके बाद महाराष्ट्र चैप्टर, उसके बाद गोवा चैप्टर, उसके बाद गुजरात चैप्टर। ओके जी, ओके, ऐसे बस सब जगह जाएंगे। काफी बड़े लेवल की ट्रिप होने वाली है भैया की, उम्मीद है हम भी न्यू ईयर पे ज्वाइन करेंगे आपको। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और बाहर से भी पूरी एकदम चकाचक कर चुके भैया लगे हुए हैं, मतलब तो दिन रात है ना। चाबी लाना, दिखाते हैं, आइए, मतलब गाड़ी का इंजन, भाई आपने गाड़ी को सजा दिया, संवार दिया, पर मेन चीज गाड़ी है कैसी, चलेगी कैसी, तो भाई साहब दिखने में दमदार लग रही है ये तो। ये देखते हैं कितने सेल्फ में स्टार्ट होती है, तो देखते जी देखते। अरे क्या ये तो हाफ सेल्फ हो गया सर, एक भी पूरा नहीं लिया इसने। गजब भाई, गजब। तो ब्यूटी ऑफ द इंजन, मतलब ये होती है सर मेंटेनेंस, मतलब बहुत तगड़ी मेंटेन है यार गाड़ी सच में। हाफ मतलब एकदम आपने हल्की सी चाबी घुमाई, अड़ाना है बस सच में यार। और आगे का जो ये मैसिव बना रखा है ना, मतलब एकदम बढ़िया, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है मतलब गाड़ी के अंदर। और ये मिले हमारे सात्विक जी से, सात्विक नहीं सात्विक जी, क्या बात है, ये हो रहा है ना सर मस्त वाला।
असली जो ट्रक वाला फील देगा ना यही हॉर्न देगा। ये अलग से लगा रखा सर, इसमें क्या यूज है इसका एक बार वो भी बता दो। ये स्नॉर्कल है बेसिकली। अच्छा। सो स्नॉर्कल होता है जहाँ से गाड़ी एयर सक करती है। अच्छा। सो ये गाड़ी पूरी एक प्रॉपर ओवरलैंडिंग कम ऑफरोडिंग व्हीकल है। क्या बात है। पानी जाने से गाड़ी बंद ना हो, अगर ये यहाँ तक मतलब इसके वाटर लेवल यहाँ तक भी आ जाता है ना, ओहो, तो ये बंद नहीं होगी। स्नॉर्कल इसका ऊपर है और इसके अलावा बंद होने का कोई कारण नहीं होता। ग्रेट ग्रेट, मतलब हर चीज सोच समझ के। और इधर ये आगे लाइट का एक्सटर्नल लाइट का है। देखिए गाइस, यहाँ पर इन्होंने एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है। अभी तो ये घर की लाइट से कनेक्ट है और जहाँ पर भी अपने को बीच में लाइट मिलती है। बहुत आसानी सर, देश में सब चीजें विनम्रता से मांगे तो इंसान जान दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर आपने। तो देखा दोस्तों आपने, भैया ने कितनी शानदार वैन बनाई है भाई। मुझे तो इसको ड्राइव करने का मन कर रहा है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है भी इतनी बड़ी लेवल की गाड़ी चलाने का। कभी चांस मिला हाईवे पे तो एक दो हाथ तो करेंगे इसके ऊपर, और मौका मिला तो न्यू ईयर पे ज्वाइन बिल्कुल करेंगे भैया को। अभी 50-50 चल रहा है क्योंकि हमारे साथ कुछ अलग प्रॉब्लम रहती है, बच्चों की छुट्टियों को लेकर, स्कूल की छुट्टियों को लेकर, सब चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन मन पूरा है। तो चलिए भैया, आज्ञा दीजिए, मिलना हो गया आपसे और कोशिश पूरी करूंगा ज्वाइन करने की, मेरा बहुत मन है। बाकी देखते हैं और अपडेट बाकी आपसे मिलता ही रहेगा यात्रा का। वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे भी मिल जाएगा और ब्लॉग से भी मिल जाएगा। तो एक बार वापस शुभकामना देते हैं आपको आपकी यात्रा की नई गाड़ी के अंदर। एक बार गाड़ी वापस दिखा देते हैं, भाभी भी लगे हुए हैं अब तो पूरा घर का झाड़ू पोछा हो रहा है भाई। एक घर से दूसरे घर के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं भैया, एक कितने 1.5 महीना तो हो जाएगा आराम से ना। 1.5 महीना तो चलिए जी, हमारा प्राइमरी घर वैसे यही है। हाँ, प्राइमरी घर इसको बोल सकते हैं। साल में 8 महीना इसी पे रहते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। तो चलिए जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं और मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं भैया के यहाँ से और उम्मीद है आपको उनकी गाड़ी तो क्या बोलेंगे, पूरा घर ही है उनका, नया घर बहुत पसंद आया होगा भाई। मेरा तो अभी से मन कर रहा है कि उनको ज्वाइन करूं, ट्रक को चला के देखूं एक बार क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए, अब तो अपनी ये चीज कभी भी देख लेंगे। तो फिलहाल तो भैया काफी जल्दी में थे क्योंकि अभी तक काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा है। ऑलमोस्ट यार 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी तैयार कराना, मतलब पूरा इंटीरियर, मतलब इंटीरियर में ही मेन टाइम लगता है हमेशा। आप कभी भी देख लेना, चाहे घर भी बनता है ना अपना नया, तो ढांचा खड़ा होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका श्रृंगार होता है, इंटीरियर का टाइम आता है ना भैया, ऐसा लगता है कब पूरा होगा। फिर भी सैल्यूट है भैया को, 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा काम करा उन्होंने और मतलब एकदम हुलिया चेंज कर दिया। जो मैंने लास्ट टाइम देखा था और आप लोगों को दिखाया था ना, उससे तो मतलब बिल्कुल रात दिन का अंतर आ गया, दिन रात का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे बहुत नई ट्रिप के साथ। यार जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर करवाओ, अपने दोस्तों से, फैमिली से, सब जगह हमारे वीडियो शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं 50,000 स्पेशल सीरीज स्टार्ट। बहुत ही धमाकेदार होने वाली है हमारी 50,000 स्पेशल सीरीज। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी और उतना ही प्यार मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना गाइस। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेट मिलता है आगे के लिए, आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी लोकेशन और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।